हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के अपने उसी मिरर इमेज के दूसरे पड़ाव पे। छात्रगण, आप सबों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इसके पूर्व के क्लास में हम सब मिरर इमेज के टाइप नंबर 1 की विस्तृत चर्चाएं करी थी। आज की कक्षाओं में छात्रगण, हम मिरर इमेज के दूसरे पोजीशन की बातें करेंगे, बातें होंगी, चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ आपको पहले पाठ से जोड़ के भी रखेंगे। आपने देखा था कि प्रथम पाठ में जो हम सबों का मिरर इमेज का पाठ था, उसमें दर्पण के दो पोजीशन होते थे, या तो किसी वस्तु के बाईं ओर मिरर रखा हो या तो किसी वस्तु के दाईं ओर मिरर रखा हुआ हो, और वो जो स्थिति होती है उसे वर्टिकल पोजीशन ऑफ द मिरर कहा जाता है। आज की क्लास में छात्रगण, हम दर्पण को मिरर के ऊपर, वस्तु को मिरर जो होगा वो उसके ऊपर में होगा और वस्तु के नीचे हमारा मिरर होगा। इन दो स्थितियों में हम देख पाएंगे कि समान प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो केस नंबर 1 दर्पण प्रतिबिंब का जो केस नंबर 1 था, वह था वर्टिकल मिरर के केस में। अब हम सब केस नंबर 2 की ओर आज उन्मुख हो रहे हैं छात्रगण। ये केस नंबर 2 कहता है कि यदि दर्पण किसी वस्तु के ऊपर या नीचे रखा होता है, आइए देखें किन स्थितियों में हम किस प्रकार से परिवर्तन पूरे प्रश्नों पर होता हुआ नजर आता है। तो एज यूजुअल द टॉपिक इज मिरर इमेज, मिरर इमेज, द टॉपिक इज मिरर इमेज and type number 2, position, जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो, जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो, when the mirror is kept above and below the object। आज इन स्थितियों की बातें करेंगे छात्रगण, जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो। मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि किसी प्रश्न पर मिरर की पोजीशन, मिरर की आकृति बना दी जाती है, तब वैसी स्थितियों में आपको प्रश्न का निर्माण कर लेना है कि मिरर लेफ्ट और राइट में रखा हुआ है, या अगर ऊपर या नीचे रखा हुआ है, तो दोनों स्थितियों में आपको चित्र बना हुआ रहेगा। यदि प्रश्न में कोई भी चित्र ना बना हुआ रहे, दर्पण का कोई भी फिगर ना बना हुआ रहे, तो आपको यही उसमें समझना है छात्रगण कि दर्पण हमेशा किसी वस्तु के बाईं या दाईं ओर रखा हुआ है। इन बातों को बहुत विशेष प्रकार से आप ध्यान देंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप सब बढ़ने का प्रयास करेंगे छात्रगण। आइए देखते हैं कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो क्या स्थिति होगी। सपोज कीजिए, एक यहां पर वर्ड ले लेते हैं राम। ओके, राम वर्डिंग पे मिरर की पोजीशन अब क्या होगी, टाइप नंबर 2 पे मिरर की पोजीशन हो जाएगी जस्ट अबव द वर्ड्स या जस्ट बिलो द वर्ड्स। ओके, दिस इंडिकेट्स, द एरो इंडिकेट्स दैट द मिरर इज कलरफुल इन वन ऑफ द साइड। तो राम को जब हम किसी मिरर पर देखेंगे कि और जो मेरा दर्पण का जो स्थिति होगा वो चाहे तो इसके ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो उस स्थिति में दर्पण अपना कैसे प्रतिबिंब शो करता है, इसकी बातें करेंगे। देखिए, अभी तक हमने जब बाईं और दाईं ओर पढ़ा था तो आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास के अधिगम से आपको जोड़ रहे हैं छात्रगण, आपने देखा था कि बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। लेकिन आपको जान करके यह भी मालूम होना चाहिए छात्रगण कि यहां पर वस्तु ना तो बाएं जाता है ना तो दाएं जाता है, ना तो जो वस्तु दर्पण के सबसे करीब होता है उसकी इमेज पहले बनती है। यह आपने पहले केस में पढ़ा था। इस केस में जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो, यानी कि इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द मिरर। दिस इज द हॉरिजेंटल पोजीशन, क्षैतिज दर्पण
तो जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो इन वन केस यू कैन ऑल्सो से इट इज द हॉरिजेंटल मिरर, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मिरर। तो एक सेकेंड केस इसका नाम देंगे इन द केस ऑफ ए हॉरिजेंटल मिरर। ऐसी स्थितियों में क्या होता है छात्रगण, जो वस्तु जहां पे होता है, जैसा होता है, जो वस्तु जहां पर होता है उसी जगह पर वस्तु इन्वर्टेड कर जाता है, पलट जाता है। पलटने का तात्पर्य हुआ कि ऊपर की वस्तु नीचे चली आती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है। इस पूरे केस में भी आप यही देख पाएंगे छात्रगण कि ऊपर की वस्तु नीचे चली गई और नीचे की वस्तु ऊपर चली गई। ध्यान रहे छात्रगण, हमेशा अपने ही जगह पर वस्तु इन्वर्टेड हो जाता है। ओके, सो यहां पे कंसेप्ट के रूप में हम सब जान पाएंगे कंसेप्ट्स। कंसेप्ट किस चीज का, जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो या हॉरिजेंटल पोजीशन पर दर्पण रखा हुआ हो। आप यू कैन सी दैट इज रॉन्ग, हियर यू कैन ऑल्सो सी, आप यू कैन सी कि वस्तु अपने ही जगह पर। आप देख लीजिए, राम जब उल्टा, जब ये पलट गया तो आर तो ये बन जाएगा, ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर, अपने ही जगह पर। मैं कई बार आपको इंडिकेट करना चाहता हूं छात्रगण कि वस्तु अपने ही जगह पर इन्वर्टेड होती है। ए आपको इस प्रकार आएगा, एम आपको इस प्रकार से आएगा। तो कंसेप्ट निकल करके क्या आया कि क्षैतिज दर्पण की स्थिति में, क्षैतिज दर्पण की स्थिति में, क्षैतिज दर्पण की स्थिति में वस्तु अपने ही जगह पर, वस्तु अपने ही जगह पर, अपने ही जगह पर इन्वर्टेड, अपने ही जगह पर इन्वर्टेड पलट जाती है। वस्तु अपने ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाती है, पलट जाती है। और उसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए हमने बहुत ही मजे तरीके से राम को जो है लिखने का प्रयास किया है छात्रगण। तो एज यूजुअल छात्रगण, आप सब बहुत अच्छी तरह से इसे याद करेंगे कि पोजीशन क्या होगी कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो, वैसी स्थिति में हम सब को किस प्रकार का ये प्राप्त होता है। आइए छात्रगण, अब आपको एग्जाम्पल के सहारे आगे की ओर लेकर के चलते हैं, जहां पर पूरी तरह से ए से लेकर के जेड तक का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ए से जेड तक का पूरी तरह से हम सब देख पाते हैं कि वैसी स्थितियों में किस प्रकार से जो लेटर्स है या जो ऑब्जेक्ट्स है या जो वस्तु है वो कैसे इन्वर्टेड होता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो और साथ ही साथ नंबर सिस्टम को भी देख लेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे प्रैक्टिस होता है, और इसके आधार पर हम सब फिर क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए आपको आगे की ओर लेकर के चलते हैं छात्रगण। छात्रगण, आपने देखा कि किस प्रकार से मिरर इमेज की जब पोजिशन हम सबों ने राइटअप किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी कैपिटल लेटर को लिया है। इस कैपिटल लेटर पे आप देख रहे हैं कि ए आपको कैसे अपनी जगह पे, आप गौर करें, मिरर की पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि मिरर की पोजीशन इस स्थिति में हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। आप ए देख रहे हैं कैसे इन्वर्टेड हो गया है, बी देख लीजिए कैसे इन्वर्टेड हुआ, बी में छोटी लाइन ऊपर होती है, छोटी गोलाकार ऊपर होती है, बड़ी गोलाकार वो आप देख करके इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नो प्रॉब्लम। सी आप देख पा रहे हैं, डी देख पा रहे हैं, ई भी देख पा रहे हैं, एफ अपने ही जगह पर नीचे आ जाएगा एज इट इज, जी ऊपर चला जाएगा, एच यू ही रहेगा, आई की पोजीशन आप देख पा रहे हैं, जे जस्ट पलट जाएगा ऊपर की ओर आ जाएगा, के की पोजीशन क्या हो जाएगी, जस्ट के की पोजीशन हम लोग इस प्रकार ना, ये बड़ा वाला लाइन ऊपर चल जाएगा और छोटा वाला लाइन नीचे, ये हो जाएगी के की पोजीशन। एल की पोजीशन आप देख पा रहे हैं, एम एन में परिवर्तन हो जाएगा, ओ पी जो है नीचे आ जाएगा, बी ग्रुप में क्यू ये नीचे इधर से खींच रहे, ये ऊपर चला जाएगा, आर ये हो जाएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू बिकम्स द एम, एक्स वाई बिकम एन जेड। तो यू कैन इजी सी कि यस सर, देयर इज अ लिटिल बिट चेंजेस व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल मिरर पोजीशन। तो बहुत आसानी से आप प्रश्न में भी बहुत आसानी से देख करके इसको पकड़ सकते हैं छात्रगण। इन्वर्टेड, आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मिरर के केस में वस्तु अपनी ही जगह पर इन्वर्टेड हो जाती है, पलट जाती है। इसके अलावा और आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। आइए आगे चलते हैं छात्रगण, और आगे चल करके स्मॉल लेटर की अल्फाबेटिकली पोजिशन देख लेते हैं छात्रगण। आइए आगे की ओर लेकर के आपको चलते हैं छात्रगण। आपने देखा कि किस प्रकार से कैपिटल लेटर के यानी कि कैप्स लेटर के अल्फाबेटिकल पोजीशंस जब दर्पण हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा हुआ है, आइए जल्दी से एक लुकआउट ले लेते हैं स्मॉल लेटर के साथ कौन सी घटना घटेगी। मैंने आपको पहले ही कहा
कि स्मॉल लेटर कभी भी कर्सिव नहीं होंगे। जो भी फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो कुछ लेटर प्रिंटेड होता है, कंप्यूटर पे जो प्रिंटेड होता है, वही लेटर एज इट इज, चूंकि OMR सीट के द्वारा एग्जामिनेशन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज सेट की हुई है उसी पे वो लेता है। इसका अलावा कभी भी कर्सिव लेटर का प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे। ए देखते हैं एज यूजुअल, हम लोग हालांकि हम लोग ए इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन एज वेल आप देखिएगा बुक्स में या फिर कहीं भी तो ए का प्रिंटिंग इसी प्रकार से होता है। तो ए देख लीजिए क्या है, ये जो नीचे का पोजीशन था ये ऊपर चला जाएगा और ये जो पोजीशन है वो आपका नीचे चला जाएगा। लाइक दिस बी ऑल्सो बिकम द पी, सी लाइक दिस वन, डी आपका ये नीचे था ये ऊपर चला गया, ये ऊपर था ये नीचे चला आया, ये ऊपर था ये नीचे चला आया, ये ऊपर था नीचे चला आया, ये नीचे था ऊपर चला गया। एच की पोजीशन में आप देख पा रहे हैं ये नीचे था ये ऊपर चला गया, पलट जाएगा। आई का बिंदु ऊपर था ये नीचे आएगा, जे का बिंदु जस्ट ये ऊपर था बिंदु नीचे आ जाएगा, के तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, एल अपना पोजीशन पलट लेगा, एम डब्ल्यू बन जाएगा, एन इस प्रकार से हो जाएगा, ओ ओ पी ऊपर के नीचे, बी ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये इस प्रकार से पलटेगा तो एस बन जाएगा, टी आप देख रहे हैं ऐसे ये प्रकार का हो जाएगा, यू इस प्रकार से पलट गया, वी की पोजीशन आप चेक कर सकते हैं नीचे था ये ऊपर चला गया, ऊपर मुंह खुला हुआ था अब नीचे मुंह खुल जाएगा, एक्स का तो पोजीशन चेंज नहीं होगा, वाई भी इस प्रकार से मुड़ा हुआ तो ये अपने ही जगह पर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और जेड इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इस प्रकार अल्फाबेटिकल पोजीशन में मिरर इमेज में छात्रगण हम सब बहुत बहुत आसानी तरीके से इसका दर्शन कर लेते हैं। नंबर के सेंस में आप देख लीजिए, जब हम वन की बातें करते हैं तो आप देखिए कि एक लाइन इधर वन का निकला हुआ है वो उसके ठीक इसके नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो वन बन जाएगा, टू लाइक दिस वन, थ्री पलट जाएगा अपने ही जगह पे, फोर इन्वर्टेड पोजीशन आप देखें, फाइव की पोजीशन देख लीजिए हिंदी कट्टा बनेगा लेकिन पलट करके बनेगा, सिक्स की पोजीशन पी बन जाएगी, सेवन नीचे आ जाएगा, एट आप देख पा रहे हैं नौ नीचे आ जाएगा, और टेन की पोजीशन भी आप देख पा रहे हैं। टेन लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब वन जानते हैं और जीरो जानते हैं, फिर भी आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने टेन को भी यहाँ पे लिखाने का प्रयास किया है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों पोजीशन पे आप सब अपने आप को बहुत बहुत कमांड हासिल कर पा रहे होंगे और अच्छी तरह से इसको देख पा रहे होंगे। हम देख पा रहे हैं छात्रगण कि अल्फाबेट की स्मॉल लेटर की पोजीशन और कैपिटल लेटर की पोजीशन दोनों स्थितियां हमारे लिए बहुत बहुत अनुकूल है और दोनों स्थितियों पर हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ऊपर की वस्तु नीचे चली आती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली आती है। इन छोटे से प्रैक्टिस के उपरांत हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप सपोज करें कि यहाँ पे लेटर ना रह करके, उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ों को आपने राइट डाउन किया होगा, लिया होगा, नहीं भी लिखे होंगे तो कोई बात नहीं है, है ना। हम सब पोजीशन की चर्चाएं जो हैं वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसे फिर पुनः देख सकते हैं। छात्र सपोज करिए कोई चित्र है, ये एक पोजीशन है, ठीक है, मिरर की पोजीशन आपकी ये है, ओके। अब कहता है आप तो देख लिए कि मिरर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, तो आप जवाब दीजिए कि ये मिरर का जो ये एरो है वो कैसे दिखेगा, तो क्या होगा बताइए। जो था वो ऊपर, यानी ऊपर की वस्तु नीचे चली आती है और नीचे की वस्तु क्या होती है ऊपर चलती है, तो मेरा कैसा है इस प्रकार से। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम सबों को जो है ये पोजीशन का कंसेप्ट याद रखना है। दो ही पोजीशन साथ ही साथ चलेगा, एक वर्टिकल मिरर, एक हॉरिजॉन्टल मिरर। प्रश्न में मिरर का पोजीशन ना दिया रहे, आपको हमेशा समझना है कि हमको वर्टिकल मिरर की ओर आपको लेकर के चलना है। आइए इस बताए गए मिरर इमेज के कंसेप्ट के साथ ही छात्रगण कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं और उस एग्जाम्पल के सहारे जो होगा छात्रगण उसमें हम सब देख पाएंगे कि किस प्रकार से मिरर के पोजीशन के तदनुप्रांत हम सब इसमें बढ़ पाने के लिए कामयाब होंगे। आप सब लगे रहे छात्रगण तुरंत एक। तो छात्रगण आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उस एग्जाम्पल के सहारे इसको ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम एक कोई भी लेटर लेते हैं और वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को जब हम देख पा रहे हैं छात्रगण, मिरर कैसे रखा हुआ है, वस्तु के नीचे या वस्तु के ऊपर, डजंट मैटर नाउ, वस्तु अपने ही जगह पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। हियर इज द एग्जांपल, तो ए लाइक दिस वन, एम लाइक दिस वन, बी यू एल ए एन सी ई। तो ये पूरी कहानी देखिए, वस्तु कैसे अपने ही जगह पर छात्रगण इन्वर्टेड हो गया, पलट गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए छात्रगण कि एम्बुलेंस जो वर्ड है उसको हम लोग कैसे पलट पाने में कामयाब हो गए। अमूमन यही कहानी चलती है, आप कई एग्जांपल ले सकते हैं। एक लेटर का एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल में, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दैट इज द 1857।
1857, और इसको हम देखते हैं मिरर की पोजीशन कैसे आती है, ये क्या हो जाएगा, वन लाइक दिस वन, एट तो ज्यों का त्यों रहेगा, ट हिंदी का ट बन करके उलट जाएगा, सेवन लाइक दिस वन, ओके, दैट इज द 1857। तो ईजली छात्रगण, ज्यादा एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है, और कई सारे टेस्ट जब आपके क्वेश्चन पेपर हम देंगे, टेस्ट क्वेश्चन पेपर देंगे, तो टेस्ट क्वेश्चन पेपर के नीचे आपको हम टैग लगा दे रहे हैं, आप सब जो है कई सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट कि ये चैप्टर आपका पूरी पूरी तरह से हैंडी हो जाए। उम्मीद करते हैं छात्रगण कि मिरर इमेज के इन दोनों पड़ावों पे, इन द केस ऑफ ए वर्टिकल मिरर और इन द केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल मिरर, अपने आप को बहुत बहुत आप स्मार्ट समझ पा रहे होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है सॉरी किसी भी कीमत पर परीक्षाओं में आपके छूटने चाहिए। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए छात्रगण कि मिरर की इन्हीं दोनों पोजीशन के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और परीक्षाओं में प्रश्न सेट किए हुए रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपने इस चैप्टर को बहुत बहुत एंजॉय किया होगा, और चलिए अब हम सब आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और वो होगा टाइप नंबर 3। मिरर इमेज के दो टाइप के बाद छात्रगण अब हम सब चर्चाएं करने जा रहे हैं मिरर इमेज के तीसरे पड़ाव पर, और ये जो मेरा तीसरा पड़ाव होगा उसके बाद आपको एक पड़ाव पर और चर्चा करवा देंगे, और वो होगा मेरा टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 3 पर मिरर इमेज के इस पड़ाव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल नए फ्लेवर में हम सब होंगे टाइप नंबर 3 पे, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक दोनों फ्लेवर पे आपने देखा था, दोनों पड़ाव पे, दोनों टाइप पर आपने देखा था कि मिरर इमेज की जो पोजीशन हो रही थी छात्रगण, उन पोजीशनों में हम सब मिरर चाहे तो दर्पण के ऊपर, वस्तु के ऊपर रखा होता था या नीचे रखा होता है, या बाएँ या दाएँ। अब हम सब देख पाएंगे घड़ी के केस में कि दर्पण घड़ी में अपना कौन सा रूपरेखाओं का निर्माण करता है छात्रगण। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यदि घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा नजर आएगा। साथ ही साथ छात्रगण आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यदि वास्तविक समय को दर्पण में देखने पर वो कैसा नजर आएगा, और दर्पण के समय को वास्तविक समय में कैसे बदला जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजली ट्रिक से हम सब इसको हल कर पाने में कामयाब हो जाएंगे, और बहुत मजे से आपको सिखाने की कोशिश भी करेंगे। आइए तो आपको लेकर के चलते हैं छात्रगण दर्पण प्रतिबिंब के टाइप नंबर 3 पे। तो एज इट इज अवर टॉपिक इज मिरर इमेज एंड द टॉपिक इज टाइप नंबर 3, और सिंपल हेडिंग दर्पण में घड़ी का समय, दर्पण में घड़ी का समय। पहली पोजीशन ले लेते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या होगा, जब दर्पण समय के, जब दर्पण घड़ी के समय ज्यादा अच्छा होगा, जब दर्पण घड़ी के समय के वर्टिकल पोजीशन पे रखा हो, वर्टिकल पोजीशन हिंदी में उदग्रकता, जब दर्पण घड़ी के समय के वर्टिकल पोजीशन उदग्र कतार पर रखा हो, ओके? दो स्थितियां इसमें आपको जन्म लेंगे। पहली स्थिति क्या होगी कि सपोज कि केवल आपको यहां एक लिख, डिजिटल घड़ी के आधार पर आप देखते होंगे कि डिजिटल घड़ी में केवल आपका डायरेक्ट टाइमिंग आता है, और एक घड़ी होती है जो कि सुई वाली घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, सुई वाली घड़ी है, इसके चित्र बना देंगे। दोनों स्थितियों में छात्रगण आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, कंसेप्ट आपके पास बस वही चलना है कि जब दर्पण में हम घड़ी को देख रहे हो तो मेरी वही कमोवेश स्थिति पैदा होगी जो हमारे पूर्व में ये उत्पन्न हुआ था। बाएं इस पोजीशन पे, दर्पण के इस पोजीशन पर आप देख पा रहे होंगे कि बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। यहां भी वही नियम लागू होगा, बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। लेकिन आप देख पाएंगे कि जब आपको 8:20 का समय घड़ी में देखने के लिए मिला है तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 8:20 का पोजीशन क्या होता है, मिनट का काटा और घंटे का काटा किस पोजीशन पे होगा। देखिए, एक सपोज कीजिए कि हम एक घड़ी का चित्र बनाते हैं, ओके? यहां पे 12 है, यहां पे 6 है, यहां पे 3, यहां पर 9, यहां पे 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11,
आठ बज करके 20 मिनट हो रहा है, तो देखिए ये 8 हो गया छोटा कांटा और ये बड़ा कांटा हो गया 20, ये पोजिशन हो गया। छात्रगण आप हमेशा याद रखेंगे कि जब रियल टाइम पे जब हम घड़ी में समय को देखेंगे तो शायद कांटों की ये स्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि जब 8:20 का समय होगा तो 8 का जो घंटा का कांटा है छोटा वाला कांटा ये थोड़ा सा 8 के ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको एक बात पुनः अच्छी तरह से मैं यहां बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियों में आपको कांटा को बिल्कुल नहीं देखना है, छोटा कांटा हमेशा 8 पर और बड़ा कांटा हमेशा 20 पर ही रहना है। जो भी समय दिया हुआ रहेगा वहीं पे कांटे को अंडरस्टैंड करके प्रश्नों का हल किया जाता है। इस बात को बखूबी आप याद रखेंगे। ये आप कभी ना सोचेंगे कि सर 8 बज की पोजिशन तो ये नहीं जाती है, ये तो 8 का कांटा थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, इससे आपको मैटर नहीं है, इसके मामले में आपको फंसना नहीं है। आप इन्हीं दो पोजिशनों को देखते हुए ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे छात्रगण। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 8:20 मेरा घड़ी का समय में ये कैसे दर्शित होगा, कैसे दिखेगा। देखिए कहानी क्या है इसकी, छात्रगण कहानी क्या चलती है। आपने पहले पढ़ा है कि केस वन क्या है आपके पास, कि जब दर्पण घड़ी के समय के वर्टिकल पोजीशन पर रखा हो। वर्टिकल पोजीशन आपने पूर्व में लिया है। वर्टिकल पोजीशन की आपकी स्थिति क्या है कि बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है। लेकिन बावजूद इस कंसेप्ट के आप ऐसे प्रश्न को गलत कर देंगे। आप जवाब दीजिए, बताइए इसमें यह कौन सा समय दिखाएगा, इसमें कौन सा समय दिखाएगा, छोटा कांटा आपको दिख रहा है बड़ा कांटा दिख रहा है, कौन सी पोजीशन आपको नजर आएगी। तो आप देखिए कि हाँ सर थोड़ा सा भले ही हम लोगों ने लेटर पर बहुत मजे से प्रैक्टिस कर लिया था कि बाईं ओर की आकृति दाईं ओर जाएगी, दाईं ओर की आकृति बाईं ओर जाएगी, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको पोजीशन को कन्वर्टेज करने में आपको बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। छात्रगण बिल्कुल मत घबराइए, संजय सर आप सबों के साथ है, बहुत शानदार हम ट्रिक दे रहे हैं। केस याद रख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जब दर्पण घड़ी के समय के वर्टिकल पोजीशन पर रखा हो तो वैसी स्थितियों में मैजिक नंबर 12 का आपको प्रयोग करना है। कितना का? 12 का। और ये जो 12 है ये 12 जो है वो एक्चुअली घंटे के लिए है, और ये 00 है ये है आपका मिनट हैंड है। तो सवाल उठ रहा है कि 8:20 का समय वक्त जो होगा वो आपको घड़ी में कैसा नजर आएगा। ऊपर की वस्तु नीचे चली जाएगी, नहीं, वर्टिकल पोजीशन है, बाईं वाली वस्तु दाएं जाएगी और दाएं वाली वस्तु कहां जाएगी, बाएं। अभी हम करके दिखाते हैं। 12 हो गया, यहां से 8:20 को सीधा सीधा आपको केवल इसको माइनस कर देना है। लेकिन माइनस करने के दरमियान में आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, और वो यही है कि ये घटाव जो होगा, जो सब्ट्रैक्शन होगा, वो घंटे और मिनट के आधार पर होगा। इस बात को विशेष रूप से ख्याल रखेंगे छात्रगण। तो घंटा हमेशा मिनट को कितना पहचान देता है बताइए, कितना बोर देता है, बचपन का क्लास याद कीजिए तो कितना, 60, वेरी गुड, ये 60 इसको कैरी देगा, यहां से ये 60 कैरी लिया, अब 60 में 20 गया तो कितना बच गया, 40 हो जाएगा 40, और यहां पर कितना बचा, 11 मिनट गया तो कितना बचेगा, 3:40। तो यदि वास्तविक समय 8:20 हो रहा है छात्रगण, तो दर्पण में यह समय आपको दिखाएगा 3:40। आप देख लीजिए, यू कैन सी, ये कांटा आपका किधर हो रहा है, ये बाईं ओर है, तो बायां वाला उठ के जाएगा तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बाएं उठ करके दाईं ओर चला जाएगा और दाएं वाला बाएं ओर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 3। लेकिन आपको ये घड़ी वाली सुई आपको मन मस्तिष्क पे लाना होगा, उसके चित्रों का अंकन जो है आपके मस्तिष्क पर करना होगा। इस चीज से बचने के लिए छात्रगण सीधे सीधे सिंपल सा एकदम कंसेप्ट याद रख लीजिए कि मैजिक नंबर 12 का प्रयोग कीजिए। इन द केस ऑफ अ वर्टिकल मिरर, जो भी समय दिया गया है उस समय को सीधे सीधे 12 में से 8:20 में से उसे माइनस कर दीजिए, चाहे कोई भी वक्त दिया है, यू विल गेट योर आंसर। बाय, मैं कहता हूं कि जुबान पे एकदम आपके ये टंग्स पे एकदम होना चाहिए, और एक सेकंड के अंदर जिसको कहा जाता है इसको बहुत जल्दी हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रगण उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत आसान तरीके से इसको सीखा होगा। हम सब कई एग्जांपल इसमें भी आपको और लेकर के सिखाते हैं छात्रगण, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत बहुत हैंडी होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कंसेप्ट वही है, बाईं ओर की आकृति दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की आकृति बाईं ओर चली जाती है। लेकिन मैंने आपको जस्ट कहा कि ऐसी स्थितियों में भी आपको इस कंसेप्ट के होने के बावजूद आप ऐसे प्रश्न को गलत कर जाते हैं। इस कारण इसमें जो ट्रिकी अप्रोच है मेरा, मैजिक नंबर 12 का प्रयोग करते हुए वर्टिकल पोजिशन पर मिरर की पोजिशन ज्ञात की जा सकती है। छात्रगण आइए दूसरे प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है, ये पोजीशन क्वेश्चन को ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ी में दिखा है 12:30।
ओके, इट्स 12:30, इट डजेंट मैटर कि 12:30 मेरा एएम है या पीएम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों स्थितियों में तो समान ही नजर आपका आएगा। तो 12:30 हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर कितना है, 12 कितना माइनस करना है, 12:30। लो पहले प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे सर कि 12 में हम 12:30 को कैसे माइनस कर पाएंगे, कई ऐसे समय होंगे, अभी एक आध क्वेश्चन और भी आपको करवाएंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप थोड़े पजल्ड होंगे कि सर 12 में हम 12:30 कैसे माइनस करेंगे, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। फिर यहां से ये कैरी देगा, कितना आ जाएगा 60, 16:30 किया कितना बचा, कितना बचा 30, यहां पर तो 30 हो गया, अब यहां कितना बचा 11 में 12 गया, 11 में 12 तो नहीं जा सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों को जो है यहां से कैंसिल कर देंगे। इन दोनों को कैंसिल करते हुए जब यहां पे कुछ भी ना रहे तो यहां पे कर देंगे 0, 0, क्योंकि 11 में 12 तो जाना ही नहीं है, 11 में 12 जाना है क्या, नहीं जाना है, तो सीधे सीधे दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और यहां लिख देंगे 0, 0। तो मेरा जब 12:30 घड़ी दिखा रहा है, 12:30 जब दिखा रहा है तो घड़ी मेरा हो जाएगा 12:30। तो बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है चादगन, बहुत अच्छी तरीके से इसको देखते जाएंगे। अनदर एग्जांपल लेते हैं और अनदर एग्जांपल की बातें करते हैं। ये वक्त हो रहा है चादगन आपका 11:30, तो हो रहा है 11:30, ओके। फिर हम सब चले जाएंगे 12 के पास चले जाएंगे और कितना सबट्रैक्ट करेंगे 11:30 को, हम माइनस लगाएंगे, ये इसको कितना कैरी देगा 60, 16:30 गया कितना बचा 30, यहाँ कितना बचा 11 में 11 कैंसिल हो गया, कितना बचा यहाँ पर 0, 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 12:30। तो यदि घड़ी में 11:30 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब आपका कितना होगा 12:30। तो इसे बहुत अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करेंगे छात्रगण, बहुत ही आसान तरीके से, अगर 12 बज रहा हो, 11:30 बज रहा हो, जो भी वक्त हो रहा हो, बहुत आसानी से आप इसे निकाल पाने में कामयाब होंगे। और भी एक आध एग्जाम्पल इसमें सॉल्व कर लीजिए छात्रगण, ताकि आपको जरा भी इसमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सपोज कीजिए घड़ी का समय दिखा रहा है 10:30, ओके। जब ये 10:30 का समय दिखा रहा है तो सिंपल रूल हम लोग क्या पाएंगे, 12 में से 10:30 को माइनस करेंगे, 60 में 30 गया 30, यहाँ पर कितना बसा 1 में 0 गया 1, बस। तो घड़ी दिखा रहा है कितना आपका 1:30, 1:30। तो सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग 12 बाय द गिवन रियल टाइम यू कैन ईजली कन्वर्ट डियर फ्रेंड्स द मिरर इमेज टाइम। आइए आगे की ओर लेकर के चलते हैं और हम देख पाएंगे छात्रगण इसमें अनदर एग्जांपल की ओर आपको लेकर के चलते हैं कि एक आध एग्जांपल और भी इसमें देख लीजिए कि कैसे इसमें क्या होता है। अब एक दूसरी पोजीशन इसकी ये होगी कि आपको कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं प्रश्न का तो और ये आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कहता है कि यदि वास्तविक समय, यदि वास्तविक समय 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है वास्तविक समय, वास्तविक समय कितना हो रहा है 4:30, तो दर्पण में यह समय, तो दर्पण में यह समय होगा, दर्पण में यह समय होगा इजी 12:30, 60 में 30 गया 30, 11 में 4 गया 7, सो द करेक्ट आंसर इज 7:30, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छात्रगण और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर हो गया एकदम सब कुछ आराम से, एक लैंग्वेज बेस पर पढ़ा दिए, है ना। इसी क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ये दर्पण का समय 4:30 हो रहा है तो वास्तविक समय होगा, तो वास्तविक समय होगा, यदि दर्पण का समय 4:30 हो रहा है तो वास्तविक समय होगा, तो वास्तविक, एकदम जरा भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों स्थितियों में समान काम करेंगे, मैजिक नंबर इसी 12 का प्रयोग होगा और वही 4:30 लिखाएगा और 60 में 30 वही 30 माइनस करेंगे और 11 में 4 देंगे 7:30। तो यदि दर्पण का समय 4:30 हो रहा है तो वास्तविक समय जो होगा वो 7:30 बजे का छात्रगण।
तो दर्पण से वास्तविक समय या वास्तविक समय से दर्पण, दोनों परिस्थितियों में छात्रगण हम सब मैजिक नंबर 12 का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको डिजिटल घड़ी के अलावा अगर आपको सुई वाली घड़ी पर आपको कमांड है छात्रगण, तो आप सबको सलाह दी जाती है कि इन स्थितियों और परिस्थितियों में आप डायरेक्ट एकदम से ऊपर की वस्तु नीचे चली जाती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है का कंसेप्ट नहीं अपनाते हुए, बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर चली जाती है का कंसेप्ट अपनाते हुए बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन चूंकि वर्टिकल पोजीशन है मिरर का, समय निकालना है और इस घड़ी पर आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है छात्रगण, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्नों पे आप हमेशा 12 जैसे मैजिक नंबर का प्रयोग करें। लेकिन हाँ, घटाने के वक्त आपको ये दिमाग लगाना है कि ऐसी स्थितियों में हमको 12 के केस में हमें जो दिमाग लगाना है, 12 के केस में जो दिमाग लगाना है वो यही लगाना है कि हमेशा घंटे और मिनट के रूप में इसको घटाया जाए, नहीं तो प्रश्न कहीं ना कहीं इसमें जो है गलती होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है छात्रगण। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम सब जो है मिरर में जब पोजीशन ज्ञात करने की बातें करते हैं, जब हम घड़ी के समय को दर्पण में देखने का प्रयास करते हैं, तो यह प्रतिबिंब हमें किस प्रकार से नजर आता है। आइए अब आपको लेकर के चलेंगे छात्रगण अपने अगले पड़ाव पर, और हम ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से टाइप नंबर 3 के बाद टाइप नंबर 4 जो है, आज इसको समाप्त भी कर देंगे छात्रगण चैप्टर को। और एक पोजीशन और मेरा बच रहा है मिरर इमेज का, आपने देखा, और वो क्या है कि यदि घड़ी के समय पर दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो, यानी कि वर्टिकल केस की स्थिति देखेंगे कि मिरर इन द केस ऑफ ए वर्टिकल पोजिशन ऑफ ए मिरर इन ए गिवन टाइम, इस समय पर अगर मिरर मेरा वर्टिकल पोजीशन पर रखा हो तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे। तो आइए आपके साथ चर्चाएं कर लेते हैं केस नंबर 2 का। बातें होंगी छात्रगण, चर्चाएं करेंगे और पूरी चैप्टर आपको आत्मसात कराएंगे और बहुत अच्छे से ऐसे प्रश्नों का हल भी आपको बता देंगे। तो हम सब बातें कर ले छात्रगण जल्दी जल्दी सा, केस नंबर 2। जब घड़ी का समय, जब घड़ी का समय क्षैतिज दर्पण, तो हॉरिजॉन्टल मिरर, जब घड़ी का समय क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर पर देखा है, जब घड़ी का समय क्षैतिज दर्पण हॉरिजॉन्टल मिरर पर देखा जाए। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल। सपोज कीजिए हमको देखना है वही एज यूजुअल 8:20 घड़ी मेरा, सॉरी वर्टिकल नहीं, इट इज हॉरिजॉन्टल। ओके, छात्रगण ध्यान रखेंगे कि जब मिरर का चित्र बना हुआ है तभी आप ये रूल अप्लाई करेंगे। यदि मिरर का चित्र आपका नहीं बना हुआ है तो मैंने आपको पहले ही कहा है छात्रगण कि मिरर के चित्र नहीं बने होने के केस में आपको ये हमेशा याद रखना है कि दर्पण हमेशा आपका वर्टिकल पोजीशन पर रखा हुआ है। योर मिरर इज केप्ट इन अ वर्टिकल पोजीशन माई डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट रिमेंबर इट, यू मस्ट रिसाइट इट, अदरवाइज यू विल जस्ट डू रॉन्ग। सो हियर इज द क्वेश्चन, ऐसी स्थितियों में छात्रगण आपके पास कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है कि क्षैतिज दर्पण की स्थिति में ऊपर की वस्तु नीचे चली आती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं छात्रगण, यह स्थिति भी सपोज कीजिए कि 8:20 आपका हो रहा है, करिए तो जरा सा ऊपर की वस्तु नीचे और नीचे की वस्तु ऊपर से, आप बताइए रियल समय क्या हो रहा है। आप देख पाएंगे छात्रगण कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगा। हम ऐसी काम क्यों करें, हमें ऐसे सटीक तैयारी करनी है छात्रगण, मुझे ऐसा कोशिश करना है कि सर एक बार क्वेश्चन देखेंगे और कुछ दिमाग में रखेंगे सीधे इसका आंसर बना देंगे। आप सबको मालूम है छात्रगण कि एक दिवसीय परीक्षाओं में आपका शार्प माइंड ही आपको वहां पे हेल्प करता है, कंसेप्ट के साथ ट्रिकी अप्रोच आपको बहुत बहुत फायदेमंद पहुंचाता है। दोनों कंसेप्ट याद रखिए, ऊपर की आकृति नीचे, नीचे की आकृति ऊपर। अगर एग्जामिनेशन हॉल के किसी क्लास में आपका सेंटर है और कहीं घड़ी टंगा हुआ है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि घड़ी को देखते हुए आप इसका हल निकाल पाएंगे। लेकिन आपको समस्याएं वहां पर हो जाएंगी छात्रगण जब आप ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है मुझे ये समय जो है आपको देखना है। और ऐसी स्थितियों में छात्रगण आपको बेस बनाना है 9:15 का। ऐसे प्रश्नों के लिए यहाँ पे 12, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पर 9, ये हो गया 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। ऐसी स्थितियों में आपको छात्रगण घड़ी बता रहा है कि 8:20 हो रहा है, आपको इसका बेस बनाना है 9:15 का।
बहुत अच्छी तरह से इसको सीखने का प्रयास करेंगे छात्रगण। 9:15 का आपको बेस बनाना है, अर्थात घंटे के लिए आपको 9 का बेस पकड़ना है और मिनट के लिए आपको 15 का बेस पकड़ना है। कैसे? एकदम ध्यान से इस टेबल को देखिए, अपने आप आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका घंटे के लिए, क्या हो गया ये घंटे के लिए। और घंटे के लिए क्या है, घंटे के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर आ जाता है कि यदि 9 से एक्स ऊपर, 9 से एक्स ऊपर आप इसको 9 से एक्स नीचे कर देंगे, 9 से एक्स नीचे आप इसको 9 से एक्स ऊपर कर देंगे। अब मिनट के लिए देख लीजिए छात्रगण, मिनट के लिए आपको क्या करना है छात्रगण, 15 का बेस बनाना है, 15 से एक नीचे, 15 से एक्स ऊपर, 15 से एक्स ऊपर आप करेंगे 15 से एक्स नीचे। ओके, आइए देख लेते हैं 8:20 का वक्त हमको कैसा दिखाई देगा। देखिए ये घंटा है, ये घंटा है और ये क्या है, मिनट है। घंटे के लिए आपने क्या देखा है कि सर जो घंटे के लिए उसका बेस क्या लेना है, 9। आप देख लीजिए 8 जो होगा वो 9 से नीचे है कि 9 से ऊपर है, तो आप कह पा रहे हैं छात्रगण कि सर 8 जो है वो 9 से नीचे है। तो जितना घर ये नीचे रहेगा उतना ही घर 9 से ऊपर आपको कर देना है। गौर से देखिए, वक्त दिखा रहा है 8:20। 8:20 की स्थिति में छात्रगण ये 9 से लेकर के नीचे है 8, कितना घर नीचे है 9 से, ये कितना घर जस्ट नीचे है, तो बोलिएगा जस्ट नीचे है, एक घर नीचे है। जितना घर नीचे रहेगा उतना ही घर आपको ऊपर कर देना है। तो 9 से एक घर ये नीचे हुआ, 9 से 8 जाने में एक घर चलना पड़ेगा, यहां 9 से घर एक घर ऊपर कर दीजिए, तो यह बात कितना दिखाएगा 10। अब आ जाइए मिनट की बातें करेंगे 20 को लेकर के। मिनट के लिए क्या बोलता है, 15 से x नीचे है तो 15 से x ऊपर करना है। हम देख पा रहे हैं कि जब 20 की स्थिति होगी वो 15 से एक घर नीचे है, 20 की स्थिति तो एक घर नीचे आएगी, 4 पर काटा जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे 15 से एक घर यहां से क्या करेंगे 15 से एक घर ऊपर कर देंगे। बेस हमेशा 15 का, बेस हमेशा 9 का, घंटे के लिए 9 का, मिनट के लिए 15 का। तो 15 से यहां पर एक से नीचे था, यहां ऊपर कर देंगे, तो ये घड़ी होगा 5 मिनट, और 5 मिनट कितना हो जाएगा 10:10। तो यदि घड़ी 8:20 का वक्त दिखा रहा है छात्रगण, तो वैसी स्थितियों और परिस्थितियों में यह वक्त जो होगा वो होगा 10:10। स्थिति वही है कि 9 और 15 इन दोनों का आपको बेस तैयार करना है, और इस बने हुए बेस के आधार पर ही छात्रगण हम सब ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं। आपको जानकर के बहुत बहुत आश्चर्य और खुशी होगी कि जब भी परीक्षाओं में जो वक्त दिया रहेगा, जो समय दिया रहेगा, वो हमेशा 5 का मल्टीपल होता है, हमेशा वो 5 का मल्टीपल ही होगा। कभी आपको 8:17 नहीं होंगे, कभी 8:19 नहीं होंगे, कभी 8:21 नहीं होंगे। ये जब भी वक्त होगा और समय होगा वो हमेशा आपका जो होगा वो आपका 5 के मल्टीपल के रूप में होगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आइए और कई एग्जांपल आपको लेकर के दिखाते हैं, सो दैट कि ये चैप्टर आपका बेहद हैंडी हो जाए। लेकिन जब तक हम ये एग्जांपल बताएं, आप इसे बहुत अच्छी तरह से पहले ये राइट डाउन कर लीजिए। दिस चार्ट विल बी गिवन इन अ वेरी वेरी स्पेशल मोड। इस चार्ट को अच्छी तरह से कर लीजिए। 9 से एक सुपर घंटे के लिए, 9 से अगर समय 9 से x ऊपर है, आप उस घंटे वाले समय को 9 से x नीचे कर देंगे। यदि समय 9 से x नीचे है तो उस समय को आप 9 से x ऊपर करेंगे। x कोई भी समय है जो परीक्षा में प्रश्न दिया गया है। मिनट के लिए 15 से x नीचे है तो 15 से आप x ऊपर करेंगे, और 15 से x ऊपर है तो आप उसको 15 से x नीचे कर देंगे। छात्रगण आइए देखते हैं कुछ अनदर एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि एक समय लेते हैं हम सब, और वो है आपका 4:20। अब 4:20 की पोजीशन देखते हैं क्या होना है। 4:20 का पोजीशन आप देखिए, 9 से आप पहले आ जाइए, 9 से 4 पहुंचने के लिए हमको किधर से चलना पड़ेगा। आप इधर से जाएं या इधर जाएं कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 घर। चार पहुंचने के लिए हमको 9 से कितना घर नीचे चलना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलिएगा सर हम इधर से भी चलेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं,
पहले कैसे चला जाता है, पहले 4 बजेगा कि पहले 9 बजेगा? तो 9 हमेशा जो छोटे नंबर होंगे 9 से वो नीचे से चलिएगा, और जो बड़े नंबर होंगे उसे 9 से ऊपर से चलेंगे। तो 9 से 4 के लिए एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर चल गए। फिर हमको 9 से ऊपर बढ़ना है, चूंकि जितना नीचे रहेगा उतना ऊपर चलना है, कंसेप्ट है। 9 से एक्स नीचे तो 9 से एक्स ऊपर, एक्स मतलब जितना नीचे आप गए उतना ही आपको ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 5 हम भी चलेंगे, 1 2 3 4 5 हम पहुंच जाएंगे 2 बजे के पास, यहां लिख देंगे 2 बजे। कहीं को दिक्कत? मिनट के केस में आपने क्या बताया, 15 का भेज देना है। 20 पहुंचने के लिए 15 से 1 नीचे जाएंगे, जब हम 1 नीचे जाएंगे, 15 से 1 से नीचे गए हैं तो 15 से 1 ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो ये घड़ी दिखाएगा आपको 10। सो हियर इज द टाइम दैट यू कैन से 2:10। तो यदि वास्तविक समय 4:20 हो रहा है या दर्पण का समय 4:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय दोनों स्थितियों में छात्रगण 9:15 के बेस के आधार पर ऐसे प्रश्नों का जवाब आप बहुत बहुत इजी वे में, बहुत ही मजे अंदाज में आप दे सकते हैं छात्रगण। तो आपने देखा छात्रगण कि किस प्रकार से दर्पण के समय को हम सब मिरर में देख पाने में कामयाब हो रहे थे। कई प्रकार के चित्रों को भी देखना, देखा आपने कि ऊपर की वस्तु नीचे चली आती है और नीचे की वस्तु ऊपर चली आती है। इन छोटे से कंसेप्टों के सहारे छात्रगण आप इस पूरे विस्तृत चैप्टर पर अपने आप को असीमित ऊर्जा के साथ में छात्रगण कमांडिंग पोजिशन पर पहुंचा सकते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों। और आपको ये याद रखना चाहिए छात्रगण कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलताओं के लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही प्रखर होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रश्न पे किसी प्रकार का कोई भी मुश्किलों का सामना आपको ना करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के पूरे इस पड़ाव पर आप सबों ने बहुत बहुत मज़ा किया होगा, और आपको बहुत जान करके खुशी होगी कि जब इसके बाद हम सब जब अपने अगले चैप्टर में चलेंगे, इसका नाम होगा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में आपको मैं यही कह दूँ कि इस पीछे के कंसेप्ट से ही वाटर इमेज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है छात्रगण, मैं समझता हूं कि 10 मिनट की क्लास वाटर इमेज के लिए, आपको 10 मिनट जल प्रतिबिंब के लिए 10 मिनट की क्लास मेरी बहुत होगी, और उस 10 मिनट की क्लास में आपको हम इसमें मास्टर बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो छात्रगण ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में डायरेक्ट आपको समय देंगे दर्पण प्रतिबिंब में, चाहे तो आपके पास डायरेक्ट समय दिए हुए रहेंगे परीक्षाओं में, या फिर क्वेश्चन के बोल लिखे हुए रहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि 8:20 पे क्या दिखा रहा है, या प्रश्न के बोल कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि राहुल लखनऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाता है, वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे एक घड़ी टंगी पड़ी है, उस घड़ी पर राहुल जो है वहाँ पर एक मिरर है, मिरर में राहुल को 10:20 दिखाया जा रहा है। तो राहुल को जब मिरर पे दर्पण पे 10:20 दिखा रहा है, तो राहुल ये जानना चाहता है कि वास्तविक समय क्या होगा। सिंपल 9:15 का बेस बनाएंगे हम सब, और 9:15 के बेस बना करके ऐसे प्रश्नों का जवाब देंगे। बस आपको सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है छात्रगण कि मिरर की पोजीशन हॉरिजेंटल रखी है कि वर्टिकल रखी है, क्योंकि इन दोनों पोजीशन पर यदि आपने अच्छी तरह से कमाल नहीं किया तो परीक्षाओं में आपके प्रश्न जो है वो गलत हो जाएंगे। पुनः एक बार मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, और वो यही है कि दर्पण की पोजीशन ना दिया रहे तो दोनों स्थितियों में आपको यही समझना है कि दर्पण अपने वर्टिकल पोजीशन पर रखा हुआ है, और वर्टिकल पोजीशन पर वस्तु बाईं ओर से दाईं ओर चली जाती है और दाईं ओर से बाईं ओर चली जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मिरर इमेज पर आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट महसूस कर रहे होंगे। आगे की क्लास में हमारी मुलाकात होगी, जहां पर हम सब वाटर इमेज को आपके सामने लेकर के आएंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रगण, और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर पर आप अपनी पूर्ण कमांड हासिल करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। थैंक यू सो मच।